अगर हम लोग राजस्थान की राजनीति की बात करें और सचिन पायलट साहब के बारे में बात ना करें मुझे लगता है कि ये संभव ही नहीं है तो आज हम लोग सचिन पायलट के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे इनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे शिक्षा भी देखेंगे और इनकी जो लव लाइफ रही है जिसके कारण भी आप देखेंगे काफ़ी चर्चा में रहे हैं तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और इनका राजनीतिक सफर किस तरह से रहा है राजनीतिक यात्रा किस तरह से रही है उस पर भी हम लोग बात करेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने सचिन पायलट साहब को देख भी रहे हैं एक कौन है सचिन पायलट और ये आप देखिए इनके पिता हैं इनकी माता हैं ये आप देखिए इनकी पत्नी है और आप देखिए इनके दोनों बेटे हैं सचिन पायलट के और आप देखेंगे इनकी जो पत्नी है ना उनका परिवार है यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि सास ससुर है इनके ठीक है तो सचिन पायलट का जन्म आठ दिसंबर उन्नीस को उत्तर प्रदेश के सहारानपुर जिले में हुआ था कहाँ इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में देखें तो बिहार हो गया झारखंड हो गया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान आप देखेंगे हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आठ राज्यों से लगती है और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से लगती है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सीटें हैं विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीट है। सीटें हैं राज्यसभा में इकतीस सीटें लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश आपका ठीक है इनके सचिन के पिता का नाम स्वर्गीय राज्य नेता राजेश पायलट इनके पिता का नाम इनकी माता का नाम रमा पायलट है इनकी एक बहन भी है जिनका नाम सारिका पायलट है सचिन ने राजनीति के साथ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम किया है और जानकारी के लिए बता दें कि सचिन पायलट के पिता भी राजस्थान के दिग्गज नेताओं में से एक थे इनके पिता भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं अगर हम लोग सचिन पायलट की शिक्षा की बात करें तो शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स बाल भारती इस स्कूल से की बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से बी किया इन्होंने और आगे आप देखिए स्नाकोत्तर करने के लिए पेंसिलवीन वानिया विश्वविद्यालय अमेरिका गए और एम की डिग्री इन्होंने यहाँ से हासिल की अपनी हाई स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अमेरिकन मल्टी नेशनल मल्टी कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में दो साल तक काम किया कितना दो साल तक इन्होंने काम किया तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और आप देखेंगे कि जिसके बाद अमेरिका से वापस आने के बाद उन्होंने दिल्ली ब्यूरो ऑफ वेटिस ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन बीबीसी में भी काम किया है फिर आप देखते हैं कि आती है इनकी लव अलाइफ की चर्चा तो सचिन पायलट की शादी 2004 में दिल्ली में सारा पायलट के साथ हुई थी जो कश्मीर के दिग्गज अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेटी है और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर, उमर अब्दुल्ला की ये बहन है कौन सचिन पायलट की पत्नी और आप देखेंगे कि इनका धर्म आप लोग देखते हैं कि अलग होने के कारण इनकी विवाह में भी काफी परेशानी आई है ऐसा कहा जाता है कि विदेश में पढ़ाई के दौरान सचिन पायलट की मुलाकात सारा अब्दुल्ला से होती है और फिर धीरे धीरे दोस्त उनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती कहते हैं कि प्यार में बदल जाती है और दरअसल सारा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी उमर अब्दुल्ला की बहन है सचिन पायलट जब अपनी पढ़ाई पूरी कर विदेश से भारत लौटे तो उसके बाद भी सारा उन और उनका प्यार कम नहीं हुआ दोनों ने कई साल तक एक दूसरे से बात की और फिर उन्होंने अपने अपने परिवार को इस बारे में बताने का फैसला किया और दोनों ने कहते हैं कि हिम्मत करके एक काम कर तो लिया लेकिन उनके प्यार के बीच मजहब की दीवार आकर खड़ी हो गई और दरअसल सचिन हिंदू परिवार से थे और सारा मुस्लिम परिवार से थी और आप देखिए हिंदू मुस्लिम और फिर आप देखिए राजनीति उसमें आ जाए तो दोनों परिवारों का आप देखिए रहना मुश्किल हो जाता है प्यार खतरे में पड़ जाता है सचिन और सारा दोनों के परिवारों ने उनकी शादी के लिए इनकार कर दिया था और कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला ने तो सारा से इस बात बारे में बात करने से ही मना कर दिया था सारा कई दिनों तक रोती रहीं और अपने पिता को मनाने का प्रयास करती रहीं लेकिन कहते हैं कि फिर भी उनके पिता नहीं माने आखिरकार साल 2004 में सचिन और सारा ने एक दूसरे से शादी कर ली और जिसमें सिर्फ़ सचिन का परिवार ही शामिल हुआ था उनकी शादी में अब्दुल अब्दुल्ला परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था हालांकि समय के साथ सब कुछ बदला और अब्दुल्ला परिवार भी दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और अब आप देखते हैं कि पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई दे रही कि सचिन के साथ इनके ससुराल वाले परिवारों की ठीक है सचिन के दो बेटे हैं जिनका नाम एक का का और 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 दूसरे विहान सचिन गुर्जर जाती से आते हैं सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा और देखिए जब भी किसी राजनेता की बात होती है तो उसका धर्म जाति पहले देखा जाता है और इनके अगर हम लोग राजनीतिक जीवन की बात करें तो सचिन पायलट 10 फरवरी 2002 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है 28 दिसंबर 1885 में आप देखेंगे साल 2004 में ही लोकसभा चौदहवीं लोकसभा के सदस्य बनते हैं और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम पच्चीस साल होनी चाहिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे भारत के सबसे युवा सांसद सचिन पायलट हैं जो 26 साल की उम्र में सांसद बने थे और जिसके बाद 2004 में सचिन सेंट्रल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहे एविएशन मिनिस्ट्री के एडवाइजर नियुक्त भी किए गए थे फिर आप देखेंगे कि 2006 में उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की किरण को वोटों के अंतर से हराकर अजमेर की सीट जीती और और केंद्रीय संचार आईटी राज्य मंत्री बने सचिन सचिन पायलट पायलट बारिश में केंद्रीय कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने और दो तक इस पद पर काम करते रहे दो में वह अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी लोकसभा सीट भाजपा के साबरलाल जाट से एक लाख इकहत्तर हजार मतों के अंतर से चुनाव हार गया था और 2014 ही था जब आप देखते हैं कि मोदी लहर बीजेपी चल रही थी और 2018 में टोंक टोंक निर्वाचन क्षेत्र से वह राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए और राज्य के उप मुख्यमंत्री बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आपको मालूम होगा कि दो का विधानसभा चुनाव राजस्थान का सचिन पायलट के नेतृत्व में ही लड़ा गया था और राजस्थान की बात करें तो आप देखेंगे जयपुर इसकी राजधानी है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है ये आप देखें तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनतालीस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब से विधानसभा में दो सौ सीट है राज्यसभा में दस सीटें हैं लोकसभा में पच्चीस सीटें आपको देखने को मिलेंगी और अगर आपको विधायकी का भी चुनाव लड़ना है ना एम का तब भी आपकी उम्र कम से कम पच्चीस साल होनी चाहिए अधिकतम कोई सीमा नहीं है और इनका चुनाव भी मतदाताओं के द्वारा होता है लेकिन आप देखते हैं कि बीच में सचिन पायलट बगावत कर देते हैं और इन्हें 14 जुलाई 2020 को उन्हें राजस्थान के हर दफ्तर से बर्खास्त कर दिया गया था डिप्टी सीएम थे वो भी इनसे छीन लिया गया था और भी मंत्रालय थे इनके पास वो भी छीन लिया गया था तो अभी तक की की आप देखेंगे सचिन पायलट यही कहानी है और अभी कांग्रेस में आगे राजनीतिक सफर क्या रहता है इनका ये आने वाला वक्त ही बताएगा उसके लिए मुझे लगता है कि आजकल आप लोग डिजिटल दौर में जी रहे हैं मोबाइल है स्मार्टफोन आप लोगों के पास तो सबके बारे में आगे की जानकारी आप लोग रखते रहते हैं न्यूजपेपर भी पढ़ते रहा करिएगा ठीक है उससे भी आपको मालूम चलता रहता है और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग उसका नाम बताइएगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे